यहाँ आकर शादी कर लिए दोनों हमके। मेरी भगनी है, मैं हम उसके मामी है, क्योंकि हम लोग कसम खाए हैं कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं ना छोड़िएगा, नहीं जिंदगी भर दूसरे से शादी कर लेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे जिंदगी, नहीं कितने सुंदर बनता कहा शादी की है। कसम से अब लड़का होने का गुरूर नहीं रहा साहब, अब तो लड़कियां लड़कों को पूछती तक नहीं है और खुद ही शादी रचा लेती हैं। अब सोचिए उस बाप का क्या होगा जो अपने बेटे के तिलक के लिए बड़ी उम्मीदें पाल कर बैठा था। अब तो हद हो गई, उस लड़की के पिता का क्या होगा जो सरकारी नौकरी वाला लड़का खोजते थे, क्योंकि अब तो लड़की ही लड़की से शादी करेगी तो फिर लड़कों का क्या होगा। अगर लड़के लड़के से शादी करेंगे तो फिर दुनिया में लड़कियों का क्या होगा। त्रहिमाम त्रहिमाम हो गया साहब, जमाना में ये दिन भी देखना पड़ेगा। कसम से अब तो मर्द होना भी शर्मनाक हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि लड़कियों के इस पागलपन वाले जुनून के आगे डूब कर मर जाए या फिर पैदा होने से पहले ही कई बार सोचे कि पैदा कहाँ होना है, लड़की बनना है या लड़का। साहब आजकल लड़कियों का फितूर देखिए, मामी के प्यार में भांजी दीवानी, पड़ोसी के प्यार में सहेली दीवानी, दोनों घर छोड़कर पति को छोड़कर एक दूसरे को बना दी वरमाला, माथे पर लगा दिया सिंदूर और कर ली सात जन्म साथ निभाने का नया वादा। ये चलन ये प्रचलन हमारे समाज में तो नहीं था, लेकिन कसम से और सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता का अधिकार किया दिया कि लड़कियों का दिमाग तो अब सातवें आसमान पे चला गया है। पापा की परियों की बातें तो खूब होती थी, लेकिन इधर पापा के लाडले भी पीछे नहीं है। बिहार के गोपालगंज में एक ऐसे ही हैरत अंगेज कारनामा लड़कियों ने कर डाली है। दो लड़कियों ने, हालांकि दोनों रिश्ते में मामी और भांजी हैं, दोनों ने शादी रचा ली। शादी भी रचाई काफी तामझाम से, पुलिस को भी इस शादी में निमंत्रण तक दे दिया गया, पुलिस वाले भी पहुंचे और दोनों ने शादी कर ली। मंदिर में एक दूसरे के माथे में सिंदूर लगाया, हार पहनाया और पति पत्नी बन गए। दोनों को डर है कि जमाना कहीं उन्हें अलग ना कर दे। अरे साहब अलग नहीं करेगा तो क्या करेगा, समाज में किसे मुंह दिखाएंगे। जिन बेटियों को पिता ने काफी नाज से काफी लाड़ से पाला था, उन बेटियों ने तो उस पिता का शर्म समाज में नीचे झुका दिया, उनकी पगड़ी तो खुल गई है। बिहार के गोपालगंज में मामी को भांजी से प्यार में इस कदर हुआ कि दोनों ने अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लिया। मामी ने पति को छोड़ा तो भांजी भी छोड़ने के लिए तैयार हुए। अब अपने पति को छोड़कर मामी भांजी के साथ और भांजी मामी के साथ रिश्ते कितना दिन निभाएगी वो तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कलयुग में अब कुछ भी संभव हो सकता है। कहा गया था कि भगवान कृष्ण 18,000 पटरानी रखा करते थे, लेकिन एक राधा हुआ करती थी, लेकिन अब तो गोपियां ही गोपियों की ताक में बैठी हुई हैं, फिर कृष्ण को कौन अब पूजेगा, अब कृष्ण के रासलीला की बंसी कौन बजाएगा, क्योंकि गोपियां अपनी बंसी खुद ही बजाने लगी है। इससे भी हद हो गई बिहार के जमुई में, जहां तो लड़कियों ने खुलकर समाज में बगावत ही कर दी, अब कसम से ये कहने लगी है कि लड़की हूं लड़की से प्यार करती हूं। जमुई में शादीशुदा दो महिलाओं के बीच शादी करने का मामला जब सामने आया तो हर कोई हैरान हो गया। मामला लोगों के समझ के बाहर हो गया कि आखिर ये करना क्या चाहती है। दोनों घर से भागने के फिराक में थी, दोनों के परिवार वालों को भनक लगी तो मामला थाने में पहुंचा। पुलिस में दोनों के तरफ से तहरीर दी गई, पुलिस ने मामले को समझाने बुझाने का प्रयास किया, दोनों लड़कियों को समझाकर लोक लाज का भय दिखाकर घर तो भेज दिया, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि आखिर इस तरीके से दुनिया कैसे चलेगी। जब लड़की ही लड़की के साथ शादी करेगी तो बाकी जीवन के दूसरे काम वो कैसे करेंगी। भगवान ने धरती पर पुरुष और महिला दोनों को बनाया, दोनों का अपना अलग विशेषता भी दी, दोनों का काम भी बताया, लेकिन सोचिए कुदरत की बनावट और कुदरत का आशीर्वाद ही इस हाईटेक और आधुनिकता के युग में पनपने वाली लड़कियों के विचार अब उसे मृत रूप देने में लगा हुआ है। यानी भगवान के चमत्कार और करिश्मा को पलटकर ये लड़की अपनी सोच के आगे हाईटेक और आधुनिकता वाला रील्स वाला युग में खुद पत्नी बनकर
पति बनकर कैसे जीवन का निर्वाहन कर पाएंगे। हाथे साहब, मान भी लिया कि आप दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन बाकी जीवन यापन के लिए आप कैसे आगे बढ़ेंगे, पति पत्नी का सुख कैसे देंगे, क्या आप दोनों समाज में उस जरूरत को पूरा कर पाएंगे जिसकी जरूरत एक पुरुष को एक स्त्री के शरीर से होता है और एक स्त्री को पुरुष की चाहत के साथ, वो कहां से ला पाएंगे। जमुई के लाखपुर इलाके के रहने वाली कोमल के बीच रॉन्ग नंबर पर एक लड़की से बातचीत शुरू हुई। 2017 से दोनों के बीच लंबी बातचीत हो रही थी। 7 सालों के बाद दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने वादा किया कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। फिर क्या था, दोनों ने अपने अपने परिवार को इस बात की जानकारी दी। परिवार के लोगों को इस बात सुनते ही पैरों तले जमीन खसक गई। दोनों ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही परिवार के लोग उस वक्त थक गए जब लड़कियां मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस बीच कोमल के परिवार वालों ने सोनी से बात करने से मना भी कर दिया, लेकिन दोनों की बातचीत बंद होने के बाद कोमल ने सोनी को छपरा से जमी बुला लिया, फिर उसके साथ भागने का प्लान बना लिया। लेकिन कोमल के परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को समझा बुझाकर थाने ले आई, फिर थाने लाकर दोनों को परिवार वालों के हवाले कर दी। ये तो जमुई की घटना है, लेकिन बिहार के गोपालगंज में इससे भी 2 कदम आगे की घटना घटी है। बिहार के गोपालगंज में रहने वाले 2 लड़कियों की कहानी है। दोनों आपस में मामी और भांजी के रिश्ते में बंधे हुए। अब मामी और भांजी ने घर से भागकर मंदिर में जाकर 7 फेरे ले लिए, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया और सोशल मीडिया पर ही परिवार के लोगों को इसकी जानकारी दे दी कि वो पिछले 3 साल से प्रेम में थी और अब दोनों ने शादी कर लिया है। अब तो सरकार से दुहाई ही दुहाई है, अब तो कोर्ट से, कानून से बस एक ही बात की डिमांड है कि साहब एक बार जज साहब इन लड़कियों की हरकतों को देख लें और फिर अपने फैसले पर पुनः विचार कर लें। कोर्ट ने आपको आज़ादी से रहने की आज़ादी दी थी, आपके विचारों को खत्म नहीं करने की आज़ादी दी थी, ये आज़ादी नहीं दी थी कि आप दूसरे के संस्कार और समाज में जीने का अधिकार ही छीन लेंगे। साहब इन लड़कियों की करतूत ने कई माँ बाप के चेहरे पर टेंशन ला दिया है। तनाव में माँ बाप हैं कि अब अपने बच्चों को किस झोंपड़ी में सुरक्षित छुपा कर रखें, क्योंकि समाज में अगर ऐसी लड़कियों की छाप इनके परछाई भी अगर इन अब उनके बच्चों पर पड़ जाती है तो फिर सोचिए उनका भविष्य क्या होगा। दुनिया पर परले ही परले दिखेगी, धरती पलट जाएगा, आसमान में नहीं बल्कि धरती का रंग भी अब सफेद हो जाएगा। दरअसल पूरा मामला गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव की है, जहां मामी भांजी का प्यार परवाना चढ़ा और घर से भागकर दोनों ने सासा मुनसा स्थित दुर्गा मंदिर जाकर शादी कर ली। भांजी ने मामी के गले में वरमाला डाला और मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग में सिंदूर भर दी। दोनों ने मंदिर में 7 फेरे लिए और 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें भी खाने लगे। शादी के बाद मामी सुमन ने बताया कि उसकी भांजी शोभा काफी सुंदर है। उसे इस बात का डर था कि शोभा शादी कहीं और कर लेगी, उसे छोड़कर चली जाएगी। इसी डर से दोनों ने भागकर मंदिर पहुंची और दोनों ने शादी रचा लिया। अब कोई उन दोनों को अलग नहीं कर सकता है। अब सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान भी कर दिया गया। मामला जब सामने आया तो लोग हैरान हो गए, हर जगह इस शादी के वीडियो की चर्चा हो रही है। हालांकि शोभा को अपने इस प्यार पर पूरा भरोसा है, लेकिन सवाल यही है कि शोभा ने समाज में क्या मैसेज दिया है, शोभा के इस व्यवहार से कितना नुकसान होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। सहरसा सब मंदिर में है, यहाँ आकर शादी कर लिए दोनों हमके, मैं भगनी है, मैं उसके मामी है। शादी के लिए हम लोग जीने मरने का कसम खाया, हम एक दूसरे को 7 जन्मे तक साथ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं ये मुझे छोड़ेंगे, नहीं हम इसे छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग कसम खाए हैं कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं ना छोड़िएगा, नहीं जिंदगी भर ये साथ निभाएंगे। लड़के और लड़की की शादी तो सुनी थी, लड़की और लड़की की शादी पहली बार। लड़का तो बहुत देखे होंगे, लड़का लड़की का शादी बहुत देखे हैं, लेकिन मामी भगनी का शादी ये सब पहला बार देख रहे होंगे आप लोग, क्योंकि हम लोग मर्जी से और अपने मर्जी से शादी कर रहे हैं, इसमें किसी का दबाव वबाव नहीं है। हम लोग शादी कर रहे हैं, एक साथ रहेंगे, क्योंकि हम सोच रहे थे ये सुंदर है, कहीं चले जाएंगे मुझे छोड़ गए, कहीं दूसरे से शादी कर लेंगे तो हम नहीं छोड़े, जिंदगी नहीं, कितने सुंदर बनता का शादी की है, उनके दिल में रहना है, घर से मतलब नहीं है, ये जहाँ रखेंगे मैं वहीं रह लूंगी। क्या नाम है आपका? सुमन नाम है मेरा।
और इनका नाम प्यार से इनका नाम पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।